एक पति और एक पत्नी। पति बोला पत्नी से कि तुम हमारे हिसाब से चलो। पत्नी बोली ठीक है हम आपके हिसाब से चलेंगे। पति बोला मेरे हिसाब से चलो। पत्नी बोली जी आपके हिसाब से चलेंगे। अब ये बताओ, पति बोला तुम मेरे हिसाब से चलो, पत्नी बोली ठीक है मैं आपके हिसाब से चलूंगी। अब आपको ये बताना है इन पति पत्नी में प्रेम किसके पास है। जोर से जोर से। पति बोला कि तुम मेरे हिसाब से चलो, पत्नी बोली ठीक है मैं आपके हिसाब से चलती हूं। अब इन दोनों में प्रेम किसके पास है, कौन प्रेमी है, पति या पत्नी। जोर से जोर से जोर से। एक पत्नी बोली अपने पति से कि आप मेरे हिसाब से चलो। पति बोला ठीक है हम आपके हिसाब से चलते हैं। अब बताओ इन दोनों में प्रेमी कौन है। जोर से सब बोलो। हाँ कौन प्रेमी, प्रेम किसके पास है। जो अपने हिसाब से चला रहा है वो प्रेमी है, या जो सामने वाले के हिसाब से चल रहा है वो प्रेमी है। जो आपको अपने हिसाब से चलाए वो स्वार्थी है, क्योंकि वो आपको अपने हिसाब से चलाना चाहता है। वो कौन है, स्वार्थ अपने हिसाब से चलाता है। और जहां अपना कोई हिसाब ही ना रहे, आपके ही हिसाब से आपके ही आपके ही हिसाब से चलेंगे, जैसी आपकी इच्छा जैसे आपकी खुशी। जहां अपना कोई हिसाब ना हो, आपकी खुशी ही मेरी खुशी हो, ये विशुद्ध प्रेम है। जहां मेरा कोई हिसाब किताब। तो प्रेम कैसा है, गोपियां भगवान से क्या चाहती हैं, कुछ भी नहीं, केवल उनकी याद में रोती हैं, केवल उनका दर्शन चाहती हैं। और दर्शन भी चाहती हैं तो दर्शन तो मथुरा से वृंदावन बहुत दूर नहीं है, जाके करें आए दर्शन नहीं। यदि मेरा कृष्ण मेरे बिना खुश है तो मैं जाकर के उसे दुखी नहीं करना चाहती, वो खुश है तो उसकी खुशी ही मेरी खुशी है। तत्सुखी सुखित्वम, ये प्रेम है। प्रेम बहुत गहरी बात है मेरी माँ, प्रेम से गहरा कुछ भी नहीं है। जहां प्रेम होता है वहां लेने का मन नहीं होता, वहां सब कुछ देने का मन होता है। जहां प्रेम होता है वहां पाने का मन नहीं होता, वहां खोने का मन होता है। जहां प्रेम होता है वहां लूटने का मन नहीं होता, वहां लुटाने का मन होता है। आप भगवान के पास जाते हैं कुछ मांगते हैं, वो आपका प्रेम नहीं है, वो आपका स्वार्थ है। प्रेम जहां होगा वहां कोई डिमांड नहीं होगी, सिंपल। जहां प्रेम है वहां कोई चाह नहीं, इच्छा। जहां इच्छा है मतलब स्वार्थ है। तो जब भगवान से आप प्रेम करते हैं तो भगवान से भी आप कोई इच्छा रखते हैं। आपके और भगवान के बीच में इच्छा का पर्दा होता है, ये इच्छा का पर्दा हटाइए। गोपियों की कोई इच्छा नहीं थी, निष्काम प्रेम है।